सोची वाटर मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी साजन जॉन ने बताया कि शहर के लोगों में वाटर मेट्रो को लेकर गजब का क्रेज दिखा। स्टेशन पर पहले दिन 100 मीटर लंबी लाइन लग गई। सभी वाटर मेट्रो में सफर करने को बेताब दिखे। शुरू में वाटर मेट्रो केरल हाई कोर्ट से वाइपिन और वाइटला और ककनार तक चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाटर मेट्रो का गैप 8 से 15 मिनट रखा गया है, लेकिन पहले दिन भीड़ को देखते हुए दो वाटर मेट्रो के बीच अंतराल कम करना पड़ा। अभी वाटर मेट्रो केवल 6 टर्मिनल तक जाएगी, लेकिन भविष्य में 38 टर्मिनल को कवर करेगी। कोची वाटर मेट्रो के अनुसार मेट्रो पूरी तरह से संचालित होने के बाद 34,000 लोग रोजाना सफर कर सकेंगे। मेट्रो कुल 76 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी। वाटर मेट्रो 10 द्वीप को कनेक्ट करेगी। इसकी स्पीड 8 से 10 किलोमीटर है। मौजूदा समय 8 वाटर मेट्रो संचालित हो रही है। भविष्य में 78 वाटर मेट्रो संचालित होंगी। एक वाटर मेट्रो में 50 लोगों के बैठने और 50 लोगों के खड़े होने की व्यवस्था है, यानी एक वाटर मेट्रो में 100 लोग सफर कर सकते हैं। चूंकि वाटर मेट्रो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड का हिस्सा है, इसलिए मेट्रो और वाटर मेट्रो दोनों के लिए एक ही कार्ड है, जिससे लोग सुविधाजनक ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर मेट्रो का कुल बजट 1136 करोड़ रुपए है और एक वाटर मेट्रो की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। दोनों रूटों का न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम 40 रुपए है। टिकट के अलावा वाटर मेट्रो के लिए पास साप्ताहिक, मासिक और तिमाही पास भी है। 7 दिनों वाले मेट्रो पास में 12 ट्रिप कर सकते हैं और इसकी कीमत 180 रुपए, मासिक पास 600 रुपए का है। इसमें 30 दिनों में 50 ट्रिप कर सकते हैं। तिमाही पास की 1500 रुपए का है। इसमें 90 दिनों में 150 ट्रिप की जा सकती है।